नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही 8 जिलों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। मंडी लोकसभा क्षेत्र तथा अर्की फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के दृष्टिगत मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, शिमला, कांगड़ा और सोलन जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इन उपचुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगी और 30 अक्टूबर 2021 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। चुनाव परिणामों की घोषणा 2 नवंबर 2021 को की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया 5 नवंबर 2021 से पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश अपनी लोक संस्कृति और अपनी परंपराओं के लिए विख्यात है। यहाँ के जनजीवन में दैनिक चर्या से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को गीत व नृत्य के माध्यम से बखूबी प्रदर्शित किया जाता रहा है। हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को जिला सिरमौर ने भी संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए आज आपको सिरमौर जिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1379 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 87 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1291 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 34,54,036 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 32,33,998 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,18,716 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,13,428 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,616 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।